दोस्तों, आज 4-5 दिन हो गया मुझे अहमदाबाद से गांव आए हुए। तो सोच रहा था कि कुछ अपने गांव की जो यादें पुरानी थी वो कुछ ताज़ा करूं, जहां पे मैंने अपना बचपन गुजारा है। तो क्यों ना आज उस जगह घूमा जाए। तो आज मैं जहां पे मैंने बचपन गुजारा है, तो उस जगह पे आया हूं। पुरानी बातें याद करके यार बहुत ऐसा लग रहा है कि क्या दिन थे वो भी। साला कोई टेंशन नहीं था कुछ भी, दिन भर खेलना और ये सब, खाना पीना, दोस्तों के साथ रहना। अभी सब दोस्त भी इधर उधर हो चुके हैं, सब अपने अपने काम पे लग गए हैं। तो अभी तो अकेला हूँ, दोस्तों को भी मिलाऊँगा साथ में। तो जिस जगह पे मैं दोस्तों के साथ में गिल्ली डंडा, ये सब गेम हमारे सीजनली गेम होते थे जो हम खेलते थे, तो उस जगह पे आया हूँ। तो दिखाऊँगा लोकेशन पहले कैसा था और अभी पूरा लोकेशन चेंज हो चुका है, जो कि जहाँ पे पहले झाड़ियाँ हुआ करती थी, अभी वहाँ पे चलो हरियाली, फसल और ये सब हो गया है। बहुत अच्छा डेवलपमेंट अच्छा हो गया गांव में। पर वही बात है कि जो बचपन में गुजरा है हम लोगों पे अच्छे से, और आज यहाँ पे देखा जाए तो एकदम हरियाली है, ठंडी का मौसम है। तो दोस्तों, ये जो जगह दिख रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग आके बैठा करते थे पूरी दोपहर। ये नीम का पेड़ अभी भी है, शायद 10 साल हो गया होगा उसके पहले की बात है, पेड़ तो पुराना है काफ़ी। और ये पीपल का पेड़, साथ में खजूर का पेड़ है, ये देखिए। इसमें हम लोग दोपहर में आके यहाँ पे खजूर खाते थे, वो मई के महीने में शायद खजूर आते थे, मई या जून के महीने में। ये इधर जो हरियाली दिख रही है ना, यहाँ पे पूरे एकदम झाड़ियाँ थी पहले हुआ करती थी। और ये वाला दिख रहा है ना गेहूँ का, पूरा यहाँ पे पूरा जंगल था। खैर अभी जंगल है नहीं यहाँ पे, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि जगह की कम पड़ने लगी थी, तो अभी जंगल काट के यहाँ पे सब खेत बना दिए, अच्छा है। और ये जो सामने पेड़ दिख रहा है ना, इसके नीचे भी हम लोग बैठा करते थे। और ये यहाँ पे ये जो छोटी सी झाड़ी दिख रही है, यहाँ पे पहले छोटे छोटे पेड़ हुआ करते थे जहाँ पे हम बैठा करते थे। बहुत मज़ा आता था यार, क्या लाइफ थी मतलब वो। अभी हम आगे चल के दिखाते थोड़ा और। अभी पूरा हरियाली हो चुका है, ये जो कितना लंबा जो जहाँ तक दिख रहा है ना हरियाली, यहाँ तक पूरा जंगल था, कम से कम 1 किलोमीटर में जंगल था ये, जिसमें हम लोग सर्दियों के मौसम में बबूल के पेड़ थे जिसमें हम लोग काटने आते थे। यहाँ पे पूरी सर्दी हमारी इस जंगल में निकल जाती थी। ये कम से कम 10 या 12 साल पहले की बात है, उससे शायद उससे भी पहले हो सकती है, क्योंकि हाँ ऐसे ही होगा, शायद 6th या 7th में पढ़ता था तब की बात है। ये पूरा जंगल था इधर। और ये खजूर के पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे, अभी 2 खजूर के पेड़ हैं, पहले यहाँ पे कम से कम 6 या 7 पेड़ थे। तो मतलब हम दोस्त जितने थे जो बकरी चराने वाले, तो यहाँ पे आया करते थे। और यहीं पे एक दूसरा पेड़ था, बहुत घना पेड़ था, तो जो मई जून की गर्मी होती थी तो हम लोग इसी पेड़ के नीचे आके बैठते थे, और घर से पूरा खाने पीने की व्यवस्था करके लाते थे, रोटी सब्जी और वो सब। तो शायद वो पेड़ तो अभी कट गया है। और ये एरिया दिख रहा है, यहाँ पे एक अमरूद का जंगल हुआ करता था, पेड़ हुआ कर, पूरा बाग हुआ करता सॉरी। तो उसमें हम लोग चोरी चुपके अमरूद तोड़ा करते, सबसे फेवरेट मेरा अगर फ्रूट देखा जाए तो वही है मेरा अमरूद। और अभी मैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पूरी लाइफ हमने जो बचपन की यहीं पे गुजारी है, और थोड़ी जगह चेंज है अभी, जहाँ पे हम पहले गिल्ली डंडा और वो सब खेला करते थे। ये एरिया दिख रहा है ना यहाँ पे, यहाँ पे पहले एक बहुत अच्छा पेड़ था जिसमें बारिश भी हो तो वहाँ पे बहुत कम बूंदें नीचे आती थी, तो हम लोग इसके नीचे आके बैठ जाया करते थे। सामने एक और पेड़ दिख रहा है खजूर का, आगे और जंगल था वहाँ पे, जहाँ पे वो सामने दिख रहा है ना उस एरिया में भी जंगल था। डर बहुत लगता था बचपन में, क्या यार छोटा था तो लोग डरा देते कि यहाँ पे भेड़िए रहते हैं, इसे रहते हैं ये सब। तो जाए मतलब ग्रुप होता तो था, साथ में जाते थे, वरना अकेले तो कोई नहीं जाता था। और ये देखो हमारे गांव का नज़ारा अभी कितना अच्छा हो चुका है यहाँ पे। बस बात वही है कि जो बचपन में मज़ा आया करता था, अभी वो मज़ा नहीं है। दोस्त है, सब कुछ है, पर वही अपने अपने काम पे लग गए हैं अभी, तो सब बिजी हैं। पर हमारे दोस्त भी अभी साले देखा जाए तो वैसे के वैसे हैं, सुधरने वाले तो है नहीं, बचपन में जैसे थे अभी बचपना है हमारे लोगों के अंदर, गया नहीं है और ना जाने वाला है। तो दोस्तों अभी यहाँ से हम चलते हैं दूसरी जगह, जहाँ पे एक हमारा दोस्त था उसका बाग था, तो उस बाग में हम कटहल के पेड़ थे उस पर बैठा करते थे, और साथ में नींबू के पेड़ थे। मना करता रहता था फिर भी हम लोग उसके नींबू और कटहल तोड़ के खा जाते थे। तो अभी उस बाग में ले चलूँगा, उसमें भी अभी थोड़े पेड़ रह गए हैं, और
चलते हैं अभी पेड़ उसके बाग के साइड। तो दोस्तों अभी हम उस बाग में आ चुके हैं जो मैंने बताया कि मेरे दोस्त का बाग था, जहाँ पे नींबू के पेड़ और जामुन के पेड़, कटहल के पेड़ ये सब थे। इसमें वो भी पेड़ शायद कम हो गए। ये देखिए अभी कटहल के एक दो पेड़ हैं। ये देखो यहाँ पे आके हम लोग लकड़ियाँ डाल के बैठा करते थे ऊपर, बहुत मज़ा आता था बारिश के मौसम में। तो कटहल शायद बारिश के मौसम में आते हैं, तभी उनको हम तोड़ के और उसमें लटका के चले जाते थे, वो पक जाते थे, हम लोग खाते थे। तो अभी शायद नींबू का पेड़, यहाँ पे नींबू का पेड़ था, यहाँ पे नींबू का पेड़ था। अभी नींबू का पेड़ तो है नहीं, शायद टूट गया वो। और सामने उस साइड दिख रहा है वो जामुन का पेड़। तो हम लोग बारिश के सीज़न में वहाँ पे आके जामुन खाते थे, और वो पीपल का पेड़ है उसके नीचे आके बैठते थे। तो ताश के पत्ते भी शायद खेलते थे हम लोग। और यही है लाइफ अपनी जो गुजरी बचपन में। और अभी चल के दिखाता हूँ एक तालाब जहाँ पे बारिश हो या गर्मी हो, हम लोग बस वहाँ पे आके तालाब में नहाने लगते थे। घर वाले ढूंढते थे कहाँ गए साले। तो हम सब ग्रुप वाले होते थे साथ में, 10-12 लड़के, पूरी मतलब दोपहर ही तालाब में गुजरती थी गर्मियों के सीज़न में। तो अभी उस तालाब को भी दिखाऊंगा। है अभी तालाब थोड़ा उसमें काट के कम कर दिया लोगों ने, जो तालाब बड़ा था अभी कम हो गया है, पर पानी है। लेकिन अभी वही कोई इच्छा हो नहीं रही है तालाब में नहाने की। और वो सब बचपन होता है, बुद्धि होती नहीं है, तब मोबाइल भी नहीं थे, तो टाइम पास करने के लिए हमारे पास वही गेम थे, उसमें जाके वो सब गेम खेलते थे। और एक तालाब नहीं था, 4-5 तालाब थे जिसमें हम लोग जाया करते थे, नहाया करते थे। ये रास्ता हमारे तालाब की तरफ गई है, सामने पुलिया दिख रही है, यहीं पे तालाब है। इस पुलिया से हम लोग जंप मारते थे नीचे, कोई डर भी नहीं था, नीचे ईंटें पड़ी रहती थी, चोट लगता था, पर पता ही नहीं चलता था साला वो चोट। अभी तो साला इतना डर लगता है कि इतनी ऊंचाई है लग रही है, तब वो बचपन में कोई ऊंचाई नहीं लग रही थी साली। तो अभी दिखाते हैं तालाब के पास पहुँच के। तो ये तालाब है जहाँ हम लोग नहाया करते थे, यही हमारा स्विमिंग पूल है। और ये हमारा ये दोस्त साथ में मजे लिया करते थे, अभी और दोस्तों को मिलाऊंगा। तो ये तालाब यहाँ से जंप किया करते थे और यहाँ से जंप किया करते थे। पानी अभी भी है, पहले काफ़ी दूर तक था वहाँ लास्ट तक, अभी कम हो गया है। तो अभी हम आ चुके हैं, अपने दोस्त की बहन की शादी थी तो वहाँ पे आए सभी दोस्त, सब मस्ती कर रहे हैं, डांस वांस कर रहे हैं। अभी मिलाता हूँ अपने सब दोस्तों को। तो ये सब हमारे कमीने दोस्त हैं सब यहाँ पे, ये सब डांस करने आए। ये है हमारे सब दोस्त पंकज, अमित और अभी बाकी दोस्त को मिलाता हूँ। ये गोलू सामने खड़े हैं और लास्ट में सामने आशीष भाई आ रहे हैं, और भी दोस्त हैं काफ़ी। ये सब वॉलीबॉल खेलने वाले हम सब हमारे दोस्त हैं। ये सामने दिख रहा है हमारा आलोक भाई, ये वॉलीबॉल और क्रिकेट ऑलराउंडर खिलाड़ी है, ये सामने दिख रहा है। हम लोग सभी गेम खेलते हैं, चाहे वॉलीबॉल हो या क्रिकेट हो, गाँव में जाके बस वही खेलना कूदना रहता है। People change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by it.